Hello, friends, welcome back to the tetrahedron chemistry classes. So, guys, if you remember in the last class, uh, I was on this particular slide. Actually, I ended uh, my last lecture on this particular slide, right? And in this slide, you can see here threats to the biodiversity, and uh, uh, I have actually mentioned these points, okay? Narrow geographical area, low population. And low breeding rate, natural disasters, then there comes the man-made causes, right? Like habitat modification, over exploitation of the selected species, and innovation by the exotic species. These were the points actually uh, I was mentioned in my last lecture. And in today's lecture, I'm going to explain each and every term, uh, each and every point actually, which are written here on this particular slide, right? तो देखेंगे कि किस तरीके से इससे जो पॉइंट्स हमने दिए हैं इनको एक्सप्लेन करके बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स क्यों आती हैं एज यू नो द थ्रेट्स का मतलब है कि जो भी किसी तरीके का खतरा किसी एक स्पेशीज़ पर आएगा या वो स्पेशीज़ मारी जाएगी या ख़त्म हो जाएगी ये सब चीज़ें हमने देखनी है तो ये थ्रेट्स को हमने जानना है क्या होता है क्या है और फिर अगर पॉसिबल हो इंडिविजुअली वी कैन कंट्रीब्यूट बाय एक्चुअली मिनिमाइजिंग दोज काइंड्स ऑफ़ द इफेक्ट्स एक्चुअली जो भी हमारी इंडिविजुअल की कैपेसिटी है उस हिसाब से हम इसको देख सकते हैं राइट सो दिस इज द एग्जाम्पल राइट आई हैव डिस्ट्रक्शन ऑफ सो एज यू नो बाय द द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ हैबिटेट इज द पर्टिकुलर एरिया और पर्टिकुलर हाउस ऑफ एनी स्पेशीज राइट कोई भी जानवर कोई भी पक्षी जिस जगह पे रहता है वो उसका हैबिटेट कहलाता है ओके एंड यू कैन सी इन द फर्स्ट स्लाइड हेयर, यहाँ पर देखिए ये टिम्बर वुड कलेक्ट किया जा रहा है फॉरेस्ट को काट के दिस इज द सेकंड पिक्चर राइट फॉलिंग ऑफ द ट्री थ्रू द एक्स राइट बाय दिस मेन और फिर इसके अलावा देखें ये जेसीबी का यूज यहां पर हो रहा है ओके okay? और इस जेसीबी से फिर धीरे-धीरे ये जंगल सारा साफ किया जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा जैसे ही आप जंगल ख़त्म कर देंगे द मोमेंट यू विल एक्चुअली डिस्ट्रॉय दैट पर्टिकुलर एरिया एंड यू यू विल डिवाइड दैट एरिया विद यू विल डिवाइड द एरिया राइट डिवाइड द एरिया मीन्स जितना भी वहाँ पे वेजिटेशन उसे खत्म कर देंगे तो देखिए मान लीजिए इस पे ये जो पेड़ कट के जा रहा है यहाँ पे बहुत सारी कोई चिड़ियाँ थी उनका घोंसला था right? राइट अब वो ख़त्म हो जाएगा तो वो चिड़िया कहाँ जाएंगी ठीक उसी तरीके से बहुत सारे जानवर इसमें रह सकते थे वो रह रहे होंगे जंगलों में लेकिन जैसे ही हैबिटेट आप उसका ख़त्म कर देंगे तो वो फिर वहाँ से उसके रहने की जगह कम हो जाएगी एंड अल्टीमेट रिजल्ट वुड बी लाइक दैट जब उनको रहने को जगह नहीं मिलेगा तो दे विल एंटर इन द ह्यूमन टेरिटरी जहाँ पे इंसान रहते हैं वो वहाँ पर चला जाएगा ओके okay? और वहाँ पे जाएगा तो फिर इंसान उसे मारेंगे या पकड़ेंगे या वो भूख से मर जाएगा तो ये एक तरीके का इफ़ यू डिस्ट्रेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनी स्पीशीज़

एंड सी पिकॉक्स आर सेटिंग इन द कोल्डर प्लेस इन सर्ट इन स्कूल ओके बहुत सारे जानवर इधर उधर आ रहे हैं क्योंकि ह्यूमन सब अंदर हैं तो वो बाहर आ रहे हैं तो उनको ज़्यादा खुली जगह वहाँ पर मिल रही है अब अगर यही सब कुछ होता तो वो बाहर नहीं आते तो वाइल्ड लाइफ को अगर बचाना है तो उनके डिस्ट्रक्शन को इनका जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है यह आपने चेक करना पड़ेगा दिस इज द वन पॉइंट ओके सो दिस इज द स्पेशीज विच इज़ नोन एज कैथेरेटस कैलिफोर्नियास और इसको कैलीफोर्निया कोंडोर के नाम से भी जानते हैं साय केवेंजर ये एक स्पेशीज़ है जो धीरे 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 खत्म हो रही है ठीक है इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे अगर इसको आप ढंग से देखें तो ये गिद्ध की तरह ये नज़र आ रहा है आपको और आपको मालूम है कि जो गिद्ध आपके हैं दे आर एक्चुअली द क्लीनर ऑफ द अर्थ ये जो आपका जो भी जमीन है या जो आपके हमारा प्लेनेट है उसको साफ करने का ये काम करते हैं क्योंकि ये सड़ी गली चीजें खाते हैं बट अनफॉर्चुनेटली इनका नंबर भी धीरे धीरे कम हो रहा है कभी हम जब uh, टॉक्सिलॉजी पे बात करेंगे तो क्यों इनका नंबर कम हो रहा है वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर ब्यूटीफुल इन द सेंस ऑफ द दिनिक ब्यूटी एक्चुअली लेकिन ये उतना सुंदर है नहीं जितना होना चाहिए देखिए क्या था द पिक्चर ऑन द लेफ्ट दिस पर्टिकुलर पिक्चर एक्चुअली वंस इट वॉज अ वेरी डेंस फॉरेस्ट एंड बट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन वी नीड सम्स तो हमने क्या करा इसमें यह सड़कें बना दी देखिए बीस से ओके okay? तो ये सड़क निकल गई यहाँ से अब होता क्या कि जब ये नेचुरल पूरा फॉरेस्ट रहता देन दीज रोड एक्चुअली व प्लेसेज और व रोमिंग एरिया फॉर द एनिमल स्पेशीज फॉर द बर्ड इन सबके घूमने की ये जगह थी अब जैसे ही आप इसको खत्म कर देंगे दिस इज नो दिस इज कॉल्ड दबिटेड फ्रेगमेंटेशन तो पूरा को अगर आप एक जंगल की तरह इसको आ, करें और बाद में नेक्स्ट पिक्चर में ये कर दें तो देखिए है, सा तो बहुत सारा फ्रेगमेंटेशन हो गया तो फ्रेगमेंटेशन होगा तो देखिए यहाँ पे देखिए एक पूरी फैमिली जैसी हमने राइट पिक्चर में किसी बर्ड की जाते हुए दिखा रखी है ओके तो हैबिटेड फ्रेगमेंटेशन की वजह से किस पे सड़क पे आ गए नाउ इमेजिन वहां पर ऐसा होगा कि आपकी जो स्पेशीज है वो मरेगी इससे भी आपका जो है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो सकता है आप लगातार सुनते हैं देखिए इन uh, दिस उत्तराखंड रीजन यू हैव द राजा जी नेशनल पार्क तो वहां पे हमेशा लोग कहते हैं कि भाई रेल की पटरी पे हाथी आ गया और हाथी ने उत्पाद मचाया सड़क पे हाथी आ गया और हाथी ने उत्पाद मचाया एक्चुअली सड़क पे हाथी नहीं आया हाथियों के जंगल के बीच में हमने सड़क डाल दी तो कहने का बात उल्टी हो जाती है कि हाथी सड़क पे आ गए नहीं ना हाथी सड़क पे आए ना रेल की पटरी पे आए वो हमने उसके घर में जबरदस्ती डाली थी तो वो जाएगा कहाँ ओके एंड सी इफ इफ यू समय है थ्रू यूर पिलग्रम्स एक्चुअली तो जब भी आप जाते हैं इधर केदारनाथ यात्रा में निकलिए बद्रीनाथ में निकलिए वैष्णो देवी निकलिए देन ऑब्वियसली यू विल फाइंड ऑन द रोड्स सड़क पर आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे स्नैक्स मरे पड़े रहते हैं चिपके हुए रहते हैं ओके okay? या कोई डॉग है या एनिमल है कहीं पर सड़क से आपका कार से दबा रहता है तो ये किस वजह से दब रहा है ये स्नैक अगर आया भी था वही हैबिटेड फ्रेगमेंटेशन की वजह से या कुत्ते बिल्ली मर रहे हैं, वो भी हैबिटेड फ्रेगमेंटेशन की वजह से सो दिस है इज अनदर कर्स फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड इफ दिस फ्रेगमेंटेशन कंटिन्यूज अल्टीमेटली वट विल 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 बी नो प्लेस फॉर द एनिमल्स एक्चुअली और फिर धीरे धीरे वो स्पेशीज खत्म होंगी एंड रिमेंबर वन थिंग वेन वी एक्चुअली लूज अ पर्टिकुलर स्पेशीज फ्रॉम द नेचर तो उसका उल्टा इफेक्ट ये हमारे ऊपर ही होता है ओके okay?

तो उसने अपनी सराउंडिंग से बेस्ट पॉसिबल जो रिसोर्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और जो बहुत अच्छी तरीके से कम्पीट करेंगे उन रिसोर्स के लिए वही सरवाइव कर पाएंगे ओके सो दिस इज़ द वन एग्जांपल विच इज़ विच यू कैन सी द बॉटनिकल नेम पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस इसको गाजर घास या कांग्रेस ग्रास के नाम से भी आप जानते हैं और यह पहाड़ों में आपने हर जगह देखी होगी ठीक है ये क्या है इट्स स्पेशीज का मतलब ये है कि जहां पे ये उगती है रिसोर्सेज को इतनी बढ़िया तरीके से यूज करती है कि सब जगह यही फैल जाती है और फिर दूसरी स्पेशीज को उतने रिसोर्सेज वहां पे मिलते नहीं ना मिनरल कंटेंट मिलता है ना और दूसरी चीजें मिलती हैं साथ साथ ये कई बार पॉइजनिंग करती है अलग स्पेशीज के लिए तो दूसरी स्पेशीज को खत्म हो जाते हैं एंड अल्टीमेटली योर योर फॉरेस्ट और एरिया एक्चुअली विल बी द द द मोनोटोनस मोनोटोनस का मतलब इज़ हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ एक ही स्पेशीज रहेगी बाकी स्पेशीज खत्म हो जाएंगी वट इज द मीनिंग ऑफ दैट लूजिंग ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इसको आप कह सकते हैं ठीक है थीके? तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने क्यों इसको कांग्रेस ग्रास कहा जाता है इसके बारे में दिया है तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिविल सर्विसेज के लिए भी हो सकता है वहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सो गाइस यू कैन सी हियर दिस इज द केमिकल कंस्टिट्यूएंट व्हिच इज नोन एज द पार्थेनिन ये पार्थेनिन नाम का जो कंपाउंड है ये इसी कांग्रेस ग्रास या गाजर घास से निकाला जाता है पार्थेनियम से स्टेरियोफोरस से इसी की ये केमिकल स्पीशीज है ठीक है और ये जो स्पेशीज है ये टॉक्सिक भी होती है स्किन में एलर्जी भी करती है और साथ ही साथ बहुत सारे जो आपके क्रॉप हैं उन क्रॉप को भी ये कंटेमिनेट कर देती है तो फसल खराब करने का काम भी ये कंपाउंड करता है इसीलिए इसको डेडली वीड भी कहा जाता है जो आपका गाजर घास है उसको डेडली वीड भी बोलते हैं यू कैन सी हेयर वेन दिस कम इन विद द प्लांट्स कॉजेज डर्मेटिस

इसके साथ साथ आप देखें इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द बिटर मिल्क डिजीज इन द दाइव स्टॉक्स वेन विद द पार्थेनियम लीव्स अब जो आपकी uh, जानवर हैं जो आपने पाले हैं गाय है, है भैंस है बकरी है और इनको जब आप चारा देते हैं इनको खाना देते हैं और गलती से अगर कुछ पत्ते इसमें गाजर घास के चले जाएं तो फिर बिटर मिल्क एक डिजीज होती है सो आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल ऑफ दैट बिटर मिल्क डिजीज दिस इज नॉट द एक्चुअली माई कप ऑफ टी बट Uh, you should know that this bitter milk uh, disease is there in the livestock okay to ye bhi parthenium ki wajah se hota hai and again you can see the presence of the parthenium pollens, jiske phool hote hain usse jo pollen nikal kar aata hai that inhibits the fruit set in the tomato brinjal beans and the number of the other crops to usme bhi kya karta hai ki ye jo उनमें फूल आता है या फल आता है उसको ये आपका धीरे धीरे खत्म करने का काम करता है इसीलिए ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है

ठीक है तो नेहरू जी उस समय हुआ करते थे ठीक तो वहां पे जब क्योंकि गरीब भारत था तो इन्होंने क्या करा था बाहर से गेहूं मंगाया था ठीक है सो गवर्नमेंट डिसीजंस टू इंपोर्ट एन इनोक्शियस वैरायटी ऑफ वीट तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जनरल नॉलेज के लिए है वो कौन सी वीट की नस्ल थी जिससे कि कांग्रेस ग्रास भारत में आई थी तो अमेरिका से हमने ये पी एल मंगाया हुआ था और जैसे ये पी एल मंगाया तो मेरा मानना पर्सनली मेरा मानना यह है कि इंटेंशनली उन लोग यूएस वालों ने क्या किया कि इसमें ये कांग्रेस ग्रास मिला के भेज दी हर तरीके से ये लोग जो है डैमेज करना चाहते हैं इंडिया को देन द थर्ड पॉइंट इज पार्थेनियम इज नोन टू बी द डेडली वीड फॉर बोथ द ह्यूमन एडवाइज एज वेल एज द एनिमल्स एज आई हैव एक्सप्लेन द लास्ट स्लाइड मैंने बताया कैसे दोनों के लिए यह प्रॉब्लम है ठीक है अपार्ट फ्रॉम द बींग डेंजरस फॉर द फ्लोरा ऑफ द रीजन इंक्लूडिंग द क्रॉप्स तो ये तो इन, मैंने क्रॉप्स में कैसे नुकसान करता है लाइवस्टॉक्स स्टॉक्स में कैसे नुकसान करता है ह्यूमंस को कैसे ये ब्रीदिंग प्रॉब्लम करता है ये तो सब मैंने बता दिया है ठीक है अब ज एक इम्पॉर्टेंट आप फीचर देखें इसका क्या है एक प्लांट जो होता है पार्थेनियम का वो पच्चीस से तीस हजार बीज जो है सीड्स जो है वो प्रोड्यूस करता है और ये इतनी जल्दी प्रोपोगेट करते हैं और विंड के साथ कैरी करके ये ह्यूमन के जो है ब्रीदिंग एयर ट्रैक में चले जाते हैं क्योंकि हवा में उड़ता हुआ चला जाता है इसका पोलन और ये चले जाते हैं और इससे फिर आपकी स्किन प्रॉब्लम और सीवियर एलर्जीज होती हैं जिसको एक्जिमा या एक्जिमा एक तरीके की प्रॉब्लम विच इज इस स्किन स्किन डिजीज एंड एस्थमा जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे होता है ओके और सबसे पहले ये वीड 1956 में पुणे में दिखी थी 1956 में पुणे में ये दिखी सो दिस इज द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दैरट वीड और कॉन्ग्रेस ग्रास और घास इम्पोर्टेंट स्पीसी में क्या कहीं भी चले जाइए ये आपको हमेशा दिखता है पहाड़ में आप इसको कूरी घास के नाम से जानते ओके okay. और वैसे इसको आप लेंटाना के नाम से भी जानते और इसका बॉटनिकल नेम जो है वो लेंटाना कैमारा है ये पौधा आपने लगातार हर जगह अगर आप अपना इंस्टीट्यूट भी देखेंगे भीमताल में तो उस इंस्टीट्यूट में भी ये कई जगह मिलेगा इनफैक्ट पूरे पहाड़ में मिलता हुए नजर आता है एंड दिस इज आल्सो नोन एज द वाइल्ड सेज और द बिग सेज ठीक है ये भी एक एक्सोटिक स्पेशीज है जहाँ ये होती है वहाँ किसी और को नहीं होने देती है और सारी की सारी दूसरी स्पेशीज खत्म कर देती है लाइक यूर चीड़ जो आपका चीड़ का पेड़ है पाइनस रॉक्स बरगा वो भी यही काम करता है सेम ठीक है वो भी एग्जॉटिक स्पेशीज है जो कि बाहर से हमारे वहाँ आया हुआ है तो दिस इज रिसर्च पेपर तो ये एक रिसर्च पेपर है जो हमने पब्लिश किया था नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसर्च पेपर लेकिन फिर भी हमने क्या किया था ये लेंटाना के बहुत सारी स्पेशीज अलग अलग जगह से ली थी और इसका इसेंशियल ऑयल कंपोजिशन देखा था तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड नैरिडॉल हमको मिल रहा था ठीक है और इसकी जो परसेंटेज थी ये हर जगह वेरी करती हुई नज़र आ रही थी तो ये सैम्पल हमने देखिए एक अल्मोड़ा से लिया था यहाँ पे लिखा हुआ है एंड वन द अदर वन वी टुक फ्रॉम द भीमताल एंड देन द लास्ट वन वी टुक फ्रॉम द हल्द्वानी रीजन सो दीज आर द थ्री डिफरेंट एरियाज नॉट स्टेट वाइज स्टेट इज द सेम एंड मोर और लेसट्यूड इज़ ऑल्सो द सेम बट द रीजन इज सट रीजन इज डिफरेंट एक्चुअली ओके जैसे भीमताल से हल्द्वानी में आप चले जाएँ तो लगभग बीस किलोमीटर पच्चीस किलोमीटर का फर्क है भीमताल से अल्मोड़ा चले जाइए तीस पैंतीस किलोमीटर का फर्क है तो इतनी रेंज पर भी हमने ये देखा कि इसमें जो निरौली था इस निर निरौली कंपाउंड की परसेंटेज बिल्कुल अलग अलग थी ठीक है तो वो परसेंटेज जो है हमने कहीं पे इसमें मेंशन करी है देखिए यहाँ पे द मेजर कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन द एसेंशियल ऑयल कलेक्टेड फ्रॉम द हल्द्वानी रीजन ओके okay? इन द अमाउंट ऑफ द सिक्सटीन परसेंट तो ये इसमें इतना नजर आ रहा था खैर ये आपके लिए इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है दौनली थिंग विच आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन हेयर इफ़ यू हैव अ प पर्टिकुलर स्पेशीज लाइक दिस इज द एक्जाम्पल ऑफ द लेंटेना कैमरा तो अगर अलग अलग रीजन से लेते हैं तो इसमें कंस्टिट्यूट भी धीरे धीरे चेंज हो जाते हैं बट दैट पर्टिकुलर स्लाइड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू अगर लेकिन कोई और इसको वीडियो को देख रहा है एशेंशियल ऑयल पर रिसर्च वगैरह करता है तो उसके लिए जरूरी है इंपॉर्टेंट हो सकता है ओके okay? सो देन अनादर एग्जाम्पल ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दॉटिक स्पेशीज तो ये भी एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है देखिये ये बहुत बहुत सुंदर हालांकि आप इसमें कहेंगे इतना सुंदर ये नहीं दिख रहा है बट इट्स अ वेरी इट वॉज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल बर्ड एंड नेम ऑफ दैट बर्ड इज एक्चुअली रेफस्कुलेटस ये इसका बॉटनिकल नेम है रेफस रेफेस्कुलेटस और ये इसको बर्ड कहा जाता है और काफी अच्छी लगभग लगभग ये आपका तीन साढ़े तीन फिट के आसपास रहती थी तीन साढ़े तीन फिट के पास हाइट रहती थी ठीक है इतना लंबा ये रहता था और लगभग एवरेज अगर आप इसका टोटल वेट देखें तो दस किलो के आसपास दस से पंद्रह किलो के आसपास था या कभी कभी बहुत भारी हो जाए तो ट्वेंटी के के आसपास भी ये हो सकता था एंड ये दैट पर्टिकुलर स्पीसीज वॉज एंडेमिक टू द मॉरिशियस आईलैंड तो ये सिर्फ मॉरिशस में ही रहता था ओके एंड एंडेमिक का मतलब है मॉरिशस में मिलेगा उसके अलावा कहीं और नहीं मिलेगा राइट एंड द प्रॉब्लम विद दैट 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 बर्ड बर्ड एक्चुअली इट एंडली वेरी ह्यूमन फ्रेंडली जैसे आप अगर इसको आपको दिख रहा है डोडो बर्ड आप इसको प्यार से बुलाएंगे तो ये आपके पास खेलने के लिए आ जाएगा तो इसका ये जो फीचर था आदमियों से मिलने वाला ये इसके लिए सबसे डेडली साबित हुआ पोचर्स जो थे हंटर्स जो थे बहुत आराम से इसको मार देते सिंस इट इज़ अ बर्ड तो इसको खाते थे वो लोग मार के ओके तो एक तो प्रॉब्लम ये थी देन आ, उसके बाद जो प्रॉब्लम यहाँ पे लिखी हुई है कि देखिए शुरू में क्या था कि जो अरब ट्रेडर्स थे उनको पता चला इसके बारे में बाद में जो पोर्टुगीज थे आ, इन्होंने क्या किया कि मॉरिशस आइलैंड में फिर वहाँ पे पिग इंट्रोड्यूस कर दिए सुअर डाल दिए तो जैसे ही सुअर आ गए तो ये उसी आइलैंड में रेत में अपने अंडे देती थी बड़े बड़े ये अंडे देती थी तो वो सुअर आते थे इसको खोदते थे और खोदने के बाद इसके अंडों को डिस्ट्रॉय कर देती थी वंस द एग्स वर डिस्ट्रॉयड ऑफ दिस एनिमल और ऑफ दिस बर्ड एक्चुअली देन द सर्वाइवल ऑफ द न्यू जनरेशन वुड वेरी वाज बिकम वेरी वेरी डिफिकल्ट तो फिर वो सरवाइव करे नहीं क्योंकि नए अंडे तो होते नहीं और दूसरा फिर आदमी भी इसको मारते थे सुअर भी मार देते थे एक फिर ऐसा हुआ कि ये खत्म हो गई

एक बहुत ही प्यारा सा यहाँ पे आप देखें एक एनिमल है विच लुक्स लाइक रैबिट एक्चुअली एंड दिस इज चिंचिला ओके तो ये चिंचिला जो है ये काफी छोटा सुंदर सा रहता था और ये जनरली साउथ अमेरिका में मिलता था ओके सो दिस ये साउथ अमेरिका में था लेकिन इसकी क्या प्रॉब्लम थी कि ये जो इसके जो फर होते हैं ये बड़े सुंदर होते हैं तो सॉफ्ट फर इसका बहुत होता था तो लोग इसके लिए जैकेट्स वगैरह या पर्स वगैरह बनाने की डिमांड बहुत बढ़ती थी तो इस डिमांड की वजह से इस बेचारे को इस तरीके से मारा गया एंड प्लीज नोट दैट वन ऑफ माय वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू सिंस यू आर यू ऑल आर द स्टूडेंट राइट नाउ और आप पढ़ ही रहे हैं आपने ही सीखना है तो इसको जरूर समझे कि हमेशा जो है आपका नेचुरल जो चीजें होती हैं जानवरों से बनी हुई नेचुरल चीजें उसके लिए नहीं गए हैं आप

and you can see say uh, I have, uh, a caption that particular picture okay in the form of the heading okay not caption actually say no to the articles made from the wild animals this is very very important आप अगर मना करेंगे वाइल्ड एनिमल से बने हुए आर्टिकल्स के लिए तो कोई क्यों मांगे क्यों मारेगा यू कैन सी आप देखिए हाथियों को मार के उनके दांत रखे गए हैं आईवरी ओके okay? और मैंने देखा है कि कई लोग को बड़ा शौक होता है की रिंग्स कहते हैं ivory का है, हाथी दांत का की रिंग है ओके okay. कई लोगों के पास लॉकेट्स होते हैं इसके कई सारे आर्टिकल्स होते हैं और बड़े गर्व के साथ बताते हैं हाथी दांत का है लेकिन बेवकूफ़ से पूछा जाए हाथी दांत आने के लिए हाथी को तो मारा गया होगा तब ये क्या कहेंगे यू कैन सी हेयर ये सारा का सारा जो है नेचुरल ये सब हाथी दांत नहीं है बट दीज आर द थिंग्स विच आर मेड ऑफ मेड अप ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स राइट बॉडी पार्ट उनके निकाल के बनाए गए हैं ओके सो दिस इज अगेन अ वेरी हार्ड ब्रेकिंग पिक्चर

तो मुझे वाकई लगा था कि ह्यूमन कितना क्रूअल है ओके okay? तो ये सब चीजें आपको इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आप इन चीजों को सीखें और समझें और अपनी जान की तरह दूसरे की जान को भी समझें। द ब्यूटिफुल पिक्चर ऑफ दैट पैसेंजर पिजन नाउ यू कैन सी हिस्ट्री एंड यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट हाउ क्रूअल द ह्यूमन इज कितना बुरी तरीके से इसको मारा गया राइट right? तो ये इसके फीचर्स हैं, इसका अगर आप पिक्चर को देखें okay uh, then you can see here okay i can change the color of this okay i can okay so this is uh, the picture this is known as the passenger pigeon okay and the zoological name of this ectopistes migratorius this is the zoological name of that animal और बहुत छोटा सा आप देखिए लगभग तेरह इंच का ये पक्षी यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है वेरी ब्यूटीफुल रिकॉल अगर आप इसका ये सर वाला एरिया छोड़ दे तो बाकी एरिया आप देखो स्पेरो की तरह दिख रहा है गोरैया की तरह ओके नाउ यूल सी दिस स्टोरी वेरी हार्ड ब्रेकिंग स्टोरी द मोस्ट टेरेबल एग्जाम्पल ऑफ द मास लॉडर इन दिस्ट्री ऑफ द वाइल्ड लाइफ इज एक्चुअली द पैसेंजर पिजन नॉट द बाइसन लोग कहते हैं कि बाइसन को सबसे ज्यादा मारा जाता था बाइसन मैंने पहले भी बताया अमेरिकन बुल है, American bull है. इसको इसकी स्किन के लिए ओके okay, इसके ऑन के लिए और इसके फ्लैश के लिए मारा जाता था पहले ऐसे मानते थे कि आ, इसको बहुत ज्यादा बुरी तरीके से मारा गया है ठीक uh, है नंबर इसका भी है, है, लेकिन सबसे जो बुरी स्टोरी वो इस प्यारे से पैसेंजर पिजन की है सो देखिए द अर्ली यूरोपियंस इन द नॉर्थ अमेरिका फ्रिक्वेंटली कमेंटेड ऑनज नंबर ऑफ द ब्लू लॉन्ग टेल्ड फास्ट एंड द ग्रेसफुल पिजन इन द कंट्री तो यूरोपियंस ने नॉर्थ अमेरिका में पहले कहा कि एक लंबी सी नीली पूछ के साथ शानदार उड़ता हुआ पक्षी आसमान में अक्सर देखा जाता था एंड थर्ड पॉइंट इन द वर्जीनिया रोड देयर आर वाइल्ड पिजन्स इन विंटर बियॉन्ड द नंबर ऑफ बियॉन्ड द नंबर ऑफ इमेजिनेशन सो इट इज नॉट और इट इज ऑफ बियॉन्ड द नंबर ऑफ इमेजिनेशन सीन थ्री टू फोर आवर्स टूगेदर फ्लॉक्स इन द तीन चार घंटे तक तो मैं देखता रहा और ये इतना घना होता था आसमान तक को भी ढक देता था इसका मतलब इसका नंबर इतना ज्यादा था ओके सिमिलर रिपोर्ट कैन बी फाउंड फ्रॉम द ड ऑन द मैन आईलैंड तो आप देखें मैनहटन से भी 1625 में 1631 में मैसेच्यूसेट से ऐसी ही रिपोर्ट आई ओके okay? और सोलह तक भी आप देखें लुसियाना से आपका ये आती रही कि इस तरीके के हमने बर्ड्स को आसमान में उड़ते हुए देखा है ओके नाउ देयर आर रूस्टिंग साइड वॉर द कॉरेस्पॉन्डिंग एनॉर्मस राइट जहाँ पे रहते थे रूस्टिंग साइड ये कितनी बड़ी थी आप देखें सम कवर्ड एन एरिया ऑफ द फाइव माइल्स बाई द ट्वेल्व एक एरिया देखें माइल्स बहुत बड़ा एरिया होता है कई किलोमीटर्स में चला गया उनमें अगर आ लगातार आप पेड़ देखते हैं तो हर पेड़ में इसके लगभग लगभग नब्बे घोंसले हुआ करते थे अब एक पेड़ पे नब्बे घोंसले और आप लगा लीजिए कि जो एरिया है फाइव बाई ट्वेल्व माइल्स का इसमें जितने पेड़ होंगे उसमें कितना नंबर इनका हो सकता है और ये इतने ज्यादा होते थे ब्रांचेस ब्रोक एंड होल ट्रीज टॉपल्ड बाय द शीर वेट ऑफ द रूस्टिंग बर्ड्स तो जैसे ही ये इतनी ज्यादा होती थी एक साथ कम्युनिटी बना के जब पेड़ पे बैठती थी तो उसकी डाले टूट जाती थी पेड़ तक गिर जाते थे इतना ज्यादा नंबर इनका होता था

so this this is the picture picture you can see this picture I सो दिस इज दिक्चर यू कैन सी दिस पिक्चर आई है इंटरनेट आई of नॉट uh, 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 passenger pigeon but you can imagine किस तरीके से इसने स्काई को कवर किया हुआ है और ऐसा ही कुछ वीडियो अभी इंडिया में भी आपने देखा है जिसमें लगातार बहुत देर तक जो है बर्ड्स आपकी घूमते रहीं तो मैं कोशिश तो करूंगा अगर वो वीडियो मिल जाए तो नेक्स्ट नेक्स्ट अपने लेक्चर में उस वीडियो को जरूर मैं इंक्लूड करूंगा आपका इतना ज़्यादा नंबर इनका होता था ओके okay. इसके बाद इसमें अब देखिए इसके डिस्ट्रक्शन इसके ख़त्म होने का कारण क्या है यू कैन सी यर ईच फीमेल लेड ओनली वन एग इन अयर विच मेड इट डिफिकल्ट टू रिप्लेस एनी क्विक लॉसेस एक जो फीमेल बर्ड थी वो एक साल में सिर्फ एक अंडा देती थी तो अगर बहुत जल्दी से इनको खत्म कर दिया जाएगा तो फिर इनका सर्वाइवल रेट उतना ज़्यादा नहीं रहेगा ओके एंड नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट की uh, यहाँ पे आप देखें ओनली अ फिल्म सी नेस्ट वॉज मेड एंड इट्स हैबिट ऑफ नेस्टिंग इन वास्ट कॉलोनीज एंड माइग्रेटिंग इन द्यूज फ्लॉक्स मेड इट वेरी इजी टू अटैक क्योंकि ये एक जगह पे बहुत सारी रहती थी और एक फ्लॉक्स में क्योंकि वैसे चिड़िया हमेशा फ्लॉक्स में ही उड़ती हैं आप, आप आसमान में तो ये बहुत सारी एक जगह होती थी तो ये इजी टारगेट था हंटर्स के लिए तो बहुत आराम से और इसको भी मार के खाते थे डिलीशियस बताई जाती थी ठीक है तो इसको मार के खाते थे लोग इसके अलावा थर्ड पॉइंट देखें यहाँ पे आपका जो है डिस्ट्रक्शन की भी पॉइंट एक आता है जो मैंने फर्स्ट पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया बर्ड फेड मेनली ऑन द एकॉन्स चेस्टनट एंड द बीच नट्स तो जो इनका स्टेपल फूड था स्टेपल फूड का मतलब ये होता है जो पर्टिकुलर किसी एक तरीके के खाने को ज्यादा पसंद करती है उसी को खा के उस उसमें सरवाइव करती है तो इसके लिए से, से, के, थे, जो के जंगल में मिलते थे एक्सटेंसिव वुडलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका वहां के जंगलों में मिलते थे एंड सो वेन दीज और फूड सप्लाई रिड्यूज जब ये धीरे धीरे जंगल कट गया तो हैबिटेड डिस्ट्रक्शन हो गया तो इनका हैबिटेट भी खत्म हो गया फूड सप्लाई भी खत्म हो गई दिस इज दिस वॉज द अनदर कॉज एक्चुअली इसके अलावा फिर देखिए यहाँ पे ये इंडियंस का एक शौक आता था इन्होंने क्या किया कि पिंजरों में बंद करके इनको बेचना शुरू किया इंडिया में भी वो बहुत ज्यादा होती थी सो द इंडियंस एक्चुअली द पिजन्स इन द लार्ज नेट्स एंड बाय दिक्सटीन थर्टी द सेटलर्स ऑफ द न्यू इंग्लैंड वर डूइंग द सेम फिर इंडिया वालों को देख के वो न्यू इंग्लैंड वाले भी सब यही करने लगे कि इनको जाल में पकड़ के फिर बेचने लगे मारने लगे ओके द यंग वर रिगार्डेड एज द द एट वर दॉर्ट आफ्टर फॉर देयर देयर फेदर्स एज एज वेल मीट तो जो इनके जो यंग uh, स्कैब्स थे छोटे छोटे बच्चे थे ये बहुत डेलीकेसी ग्रेट डेलीकेसी के लिए माने जाते थे खाने के लिए इसको खा देते थे बड़ा होते थे तो बड़ी चिड़िया को भी मार के खाते थे साथ साथ उसके पंख को ये आपके अः uh, काम में लाते हैं ओके okay? जैसे आजकल आप देखते हैं कि विंटर्स में आपकी जो है डग डाउन जैकेट्स हैं और ये इन जैकेट्स में क्या फैदर ही तो भरे रहते हैं अंदर एंड यू नेवर नो वो फैदर कहाँ से आ रहा है जानवर आपके पक्षियों को मार के आ रहा या है या आर्टिफिशियल है या वट एवर आर्टिफिशियल है तो चलो कोई बात नहीं कोई बात क्यों नहीं आर्टिफिशियल है तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा कई कई तरीके की एलर्जी कर सकता है नेचुरल है तो कहीं ना कहीं से मार के आया होगा तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम भी रहती है ओके एंड द लास्ट पॉइंट एक्चुअली क्या है इसमें देखें कि एक एक प्रैक्टिस जो है 1830 में स्टार्ट हुई कि आ, पक्षियों को पिंजरे में बंद किया जाता था और पिंजरे में बंद करने के बाद इनको उड़ा के फिर इनको शूट किया जाता था गोली मार के अपना निशाना चेक करने के लिए 1830 पे ये प्रैक्टिस आपकी चली और इसी प्रैक्टिस के दौरान हर साल लगभग ढाई लाख जो ये बर्ड थे ये मारे जाने लगे और ये प्रैक्टिस 1830 से लेकर 1870 लगभग 40 साल तक ये प्रैक्टिस चली ठीक है तो इतनी प्रैक्टिस में देखिए ढाई लाख तो आपके हर साल भर रहे हैं तो आप लगा लीजिए कि साल में फिर गए साबित नहीं हुआ कहा रियल ऑन स्लॉट द ऑनसेट ऑफ द लार्ज स्केल कमर्शियल हंटिंग कैरिड आउट बाय द वेल ऑर्गेनाइज ट्रैपर्स एंड द शिपर्स ऑर्डर टू सप्लाई द डेवलपिंग सिटीज ऑन कोस्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट विद चीप सोर्स ऑफ द मीट क्योंकि बहुत ज्यादा था अब खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए अठारह सो साठ तेईस जुलाई को ही दो लाख पैतीस हजार दो सो चिड़िया एक दिन में इतनी पकड़ी गई और ये ग्रैंड रेपिड मिशीगन में भेजी गई ये एक दिन का रिकॉर्ड है अठारह साठ जुलाई का है Then, दूसरा पॉइंट आप देखें कि 1874 ओशियाना मिशिगन में ही लगभग लगभग टेन लाख बर्ड्स जो थी वो मार्केट में भेजी गई और सिर्फ उसके दो साल बाद ही हर हफ्ते ये लोग चार लाख बर्ड भेजने लगे ठीक है और जबकि आपका टोटल नंबर इसका आप देखें ये लगभग सोलह लाख पर ईयर जाने लगा और ये सब तब जब ये साल में सिर्फ एक अंडा देगी नाउ यू कैन इमेजिन कि कितनी बुरी तरीके से इसको मारा जाने लगा एंड देन

और अल्टीमेटली जब इतना इसका जाते चला गया देखिए ये एक पिक्चर है कि किस तरीके से इसको मार के एक जगह इकट्ठा किया गया हार्ड ब्रेकिंग सारी चिड़िया मार के एक जगह इकट्ठा करी गई है और यहाँ से भेजी गई है वेरी अगली साइट एक्चुअली बर्ड्स रदर उट इन दर्ल्ड इनो अबाउटीन हंड्रेड तो उन्नीस सौ में ये खत्म हो गया और लास्ट सरवाइवर जो था इसका उन्नीस सौ चौदह में मरा और इसको मार्था के नाम से आप जानते हैं इसका पिक्चर अभी भी आप देखें यहाँ पे मार्था लास्ट पैसेंजर पिजन इन 1914 तो so, 1914 19, में लास्ट पैसेंजर पिजन देखा गया अनफॉर्चुनेटली नाउ वी हैव लॉस्ट दिस पर्टिकुलर दिस ब्यूटीफुल ग्रेसफुल ब्लू लॉन्ग टेल बर्ड वी हैव लॉस्ट तो इतना क्रुअल ह्यूमन है इसको आप अंदाजा लगा सकते हैं ठीक है क्रुएलिटी जो एनिमल की के लिए है इसको आप लगातार चाइना में देख रहे हैं इस बीच सो मे बी द नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है

अपने बच्चे को लेके चलता है अब देखिए क्या है अब मैं आपको बताता हूँ इट्स अ फैक्ट इस समय वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा इलीगली ट्रेड की जाने वाली या मारे जाने वाली स्पेशीज है वो ये पेंगोलिन है इससे ज्यादा किसी और को नहीं मारा जाता है पेंगोलिन को ही मारा जाता है एंड एंड द राइट हैंड साइड यू कैन सी द वेरी अनफॉर्चुनेट पिक्चर एक प्लेट में ये फेटस है फेटस का मतलब क्या है कि जब ये प्रेग्नेंट होती है तो इसके पेट में ये बच्चे होते हैं इसके तो इसका पेट फाड़ के इसको मार के ये बच्चे निकाल लिए जाते हैं और इसको जब आप खाने के लिए सर्व करते हैं तो ये एक डेलिकेसी फूड माना जाता है और बहुत रॉयल जो हाई क्लास लोग होते हैं उनको खुश करने के लिए दिया जाता है तो आप लगा लीजिए कि, कि किस तरीके से चाइनीज़ लोग इस पर अटैक कर रहे हैं पेंगोलिन फेटस को खाना बहुत अच्छा मानते हैं और चाइनीज़ ट्रेडिशनल मेडिसिन ये भी कहती है कि ये जो इसके स्केल्स हैं इसके स्केल्स हैं इन स्केल्स में बहुत ज़्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं मे बी हो भी सकती हैं क्योंकि जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है इनके कोई ट्रायल तो होते नहीं जैसे हमारे हमारी, हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन हैं इनके लिए कोई क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं होते हैं ओके वैसे ही किसी भी ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए नहीं होते हैं तो हो सकता है ये मेडिसिन की तरह यूज भी होती हो लेकिन फिर भी इसको मारा जाना गलत है टेक्निकल टर्म फॉर द कोचिंग डेफिनेशन ऑफ द कोचिंग ऑफ द प्रोहिबिटेड एनिमल फॉर द इलिगल ट्रेडिंग ऑफ दाइफ प्रोडक्ट ओके तो आइए इसकी स्टोरी थोड़ा जानते हैं क्या है यू कैन सी हियर मोस्ट इलीगली ट्रेडेड एनिमल इज द पेंगोलिन द डिमांड फॉर द पेंगोलिन कम्स मोस्टली फ्रॉम द चाइना

जो कि इंडेंजर्ड वो स्पेशीज को खाना पसंद करते हैं जो अब मरने वाली हैं जो खत्म होने वाली है उसे खाते हैं एंड अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग अबाउट चार्ल्स डारविन डार्विन आपने लेमार्किज्मारविनिज्म आपने पढ़ा हुआ है तो डारविन के बारे में ये कहा जाता है आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट लेकिन ये हर जगह देखने को मिलता है कि डारविन ने वो हर स्पेशीज का मीट खाया जो उसने डिस्कवर करी तो दिस इज बैड एक्चुअली ओके सो द यू कैन सी द फोर्थ पॉइंट हियर Uh, there is no evidence to support the claims regarding the medicinal properties of the pangolin scales okay lekin traditional ka hota nahi generally medicinal iske trial nahi hote ab yahan pe dekhiye analyzing records of the seized goods is, uh, since uh, 2010 the team found 2.59 tons of the scales representing approximately 4870 pangolins along with the 259 intact creatures से ऊपर के किए जा रहे थे, थे जिसमे से दो सौ उनसठ आपके जो थे इंटैक्ट क्रिएचर जिंदा दो सौ बीस इसमें से जिंदा थे और थर्टी नाइन इसमें से मरे हुए थे ठीक है इसके बाद देखिये प्राइसेज ऑफ द पेंगोलियन स्केल्स है तो 1990s, according to to the 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 study published in the Europe, uh, in the Journal of in Ecology and the Environment, of and Ecology Environment, that used to sell pound 8.50. So, कब पुरानी रिपोर्ट थी नाइनटीज की अब ये कहाँ पहुँच गई ये साढ़े आठ पाउंड से तीन सौ साठ पाउंड तक पहुँच चुकी है तो so, इसीलिए इसको उतना ही ज्यादा मारा भी जाने लगा है ओके okay? अब देखिए ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर हैं ये इसका डिफेंस मेकेनिज्म है जब भी आ, इसके ऊपर कोई खतरा आता है तो ये इस तरीके से बॉल की तरह बन जाता है बाहर कुछ होता रहे फिर ये बेचारा ऐसे ही पड़े रहता है और ये इसका जानवरों के लिए तो डिफेंस मेकेनिज्म हो सकता है लेकिन ह्यूमन और चाइनीज इसको पकड़ के ले जाते हैं और फिर इसे मार देते हैं ओके सो यू कैन सी हेट द रेयर आर्मर प्लेटेड पेंगोलिन हैड द परफेक्ट डिफेंस टेक्टिक Roll up into the ball and stay there. Whatever happens, pangolins survive by using their sensitive tongues, which can grow up to 16 inches long to probe ant nest and the termite mounds to eat the insects inside. तो इसकी जो जीब है, लगभग 16 इंच तक बाहर लंबी खिंच जाती है। चींटियाँ और टर्मिट्स खाके ये अपना सरवाइवल करता है। और इस तरीके से बॉल होके, बॉल की तरह रोल होके एक अपनी डिफेंस टेक्निक भी बनाता है। So this is the report you can see here. मलेशिया मोर देन टू डॉलर टू मिलियन इन स्केल्स इन द लार्जेस्ट हॉल मे एंड दो हजार सत्रह में डॉलर के के स्केल सीज किए गए हैं मलेशिया में और उसके बाद फिर चाइनीज कहते हैं कि हम तो इस तरीके की क्वालिटी कुछ करते नहीं है लेकिन हर जगह उनका नाम आता हुआ दिखता है नाउ दिस इज द इंटरेस्टिंग पिक्चर आजकल बहुत ज्यादा फ्लोट ये हो भी रहा है

आपका एक जो कोविड की फैमिली का ही एक मेंबर था सीवेट कैट इसका सोर्स था तो सिवेट कैट से ही ये आपका ह्यूमंस में गया क्योंकि चाइनीज ही के अगर बिल्लियाँ मार के भी खा जाते थे ना वो तो इसको मार के खाते थे तो ये सोर्स यहाँ से आया ठीक है तो ये सार्स आप ले सकते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम वायरस ओके दैट इज कॉल्ड द सार्स इसके बाद ये मर्स भी आपका आता है मर्स मर्स का मतलब है मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम तो ये भी दोनों थे बट सी दीज सार्स एंड द मर्स व मोर डेडली when you compare uh, th uh, this COVID-19 virus with this with the SARS and the MERS, so earlier too that SARS and the MERS actually were the more uh, deadly than your uh, uh, your COVID-19. और वायरस के लिए वैसे भी सिंपल सी फंडा है कि जो ज़्यादा स्प्रेड करेगा वो उतना ज़्यादा डेडली नहीं होगा और जो जितना ज़्यादा स्प्रेड करेगा वो उतना जो कम स्प्रेड करेगा वो उतना ज़्यादा डेडली होगा तो ये सोर्सेज है देखिए किस तरीके से ये सार्स का सोर्स है जो सीवेट कैट बताया गया कैसे ये बेट से आया देखिए इसने इसको खाया ओके फूड चेन और फिर इसने इसको खाया और जब एक इन्फेक्टेड हो गया तो फिर ये बाकी सबको भी फैलाएगा ओके okay? ठीक इसी तरीके से मर्स की बात करें मिडिल ईस्ट रेस्पायरेटरी सिंड्रोम वायरस ये भी आपका देखिए कैमल से गया आपका अब मिडिल ईस्ट की बात है तो वो ऊँट को मार के तो आपको पता है मिडिल ईस्ट में तो ऊँट मार के बहुत ज्यादा खाया जाता है वहाँ से फ्री है यहाँ पर आया इसने भी फिर वही प्रॉब्लम करी एंड नाउ दिस रियल स्टोरी ऑफ दिस कोविड नाइन्टीन यहाँ पे आप देखें कोरोना वायरस है ये आपका पेंगोलिन को कैरियर माना जा रहा है ठीक है ऐसा माना जा रहा है कि म्यूटेट किया देखिए इफ़ यू हैव स्टडीड बायोलॉजी इन योर प्लस टू स्टैंडर्ड देन यू मस्ट नो अबाउट द साइंटिस्ट ह्यूगो डू सो द देर इज़ अ थ्योरी द म्यूटेशन थ्योरी द कंसेप्ट ऑफ द म्यूटेशन गिवन बाय द ह्यूगो इवरिज तो वो कहते हैं कि म्यूटेशन का मतलब ये है कि एडप्टेशन हो जाती है कोई भी स्पेशीज अपने आप को अडप्ट करती है सर्वाइवल के लिए तो कोरोना वायरस के लिए भी यही कहा जा रहा है कि ये म्यूटेट कर रहा है अब हर कंट्री में देखिए इंडिया में अभी ये कहा जा रहा है कि इतना ज़्यादा डेडली ये वायरस है नहीं ओके okay? क्योंकि ये यह यहाँ पे इस तरीके से म्यूटेट किया है कि इसकी जो प्लेटेशन पावर है वो कम हो गई है जबकि यूरोपियन कंट्रीज में ये बहुत ज़्यादा डेडली था ऐसा कहा जा रहा है और एग्जाम्पल भी आप चाहे तो ले सकते हैं जैसे ये एक सिंगर कौर्निका कपूर इसको कुछ हुआ था तो इसको फाइव स्टेज तक पॉजिटिव आया लेकिन जो लोग इसके कॉन्टेक्ट में आए थे उनको किसी को भी नहीं हुआ तो मे बी द इंडिया में म्यूटेट कर रहा है और इसकी जो पेनिट्रेशन uh, है वो कम है लेकिन ये ये प्रॉब्लम भी है इफ इफ एनी वायरस इज म्यूटेटिंग लाइक दिस दैन इन द फ्यूचर इट इट कैन हैपन इट इज ऑलवेज ऑन द कार्ड कार्ड एक्चुअली इट मे म्यूटेड इन द मैनर कि ये फिर बाद में हमसे कंट्रोल ना हो सके ठीक है और ये पेंगोलिन के बाद देखिए स्नैक है अब डाउट है कि स्नेक से आया पेंगोलिन से आया फाइनली ये गया ह्यूमन्स में और ह्यूमन्स के बाद फिर ये इस तरीके से सबको इन्फेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है म्यूटेशन इज द थ्योरी एक्चुअली बेस्ड ऑन दिस वन बट आई एम नॉट श्योर वेदर इट इज द स्नैक और द पेंगोलिन और लेकिन हुआ यही है कि इसने आ, अगर ये आ, बायो वेपन नहीं भी है और अगर ये किसी ने क्रिएट किया क्रिएट नहीं किया है अगर ये ह्यूमन के अंदर म्यूटेड भी हुआ है तब भी हुआ तो इनको खाने की वजह से है अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ का ही नुकसान कर रहे हैं सो अ क्विक व्यू ऑन योर कोरोना वायरस ओके दिस पर्टिकुलर स्लाइड

काजीरंगा आसाम में अक्सर देखते हैं कि इसकी सी इसकी हॉर्न के लिए इसको मारा जाता है एंड एलिफेंट्स आर किल्ड देयर आइवरी हाथी दांत की वजह से इसको मारा जाता है एंड दिस पोचिंग इज नॉट लिमिटेड टू द एनिमल्स ओनली सॉरी पोचिंग इज नॉट लिमिटेड टू द एनिमल्स ओनली और यह आपकी जो है प्लांट स्पीशीज में भी जाती है जैसे गैलेक्स एक मेडिसिनल प्लांट है ओके एंड देन यूर दिस ब्लैक कोहोश अनदर प्लांट जिनसिंग का प्लांट आप जानते ही हैं ये सब आपके प्लांट्स भी हैं जिनपे किया इवन फंगस प्लांट्स को भी आप देखिए पोचिंग करके इलीगल ट्रेड किया जाता है इवन नाउ डेज यू कैन सी द फंगस को भी टारगेट किया जा रहा है अ वेरी इंपॉर्टेंट स्पेसी इसको आप जानते हैं यारसा गेंबू के नाम से ठीक है अगर आपने सुना हो यारसा गेंबू तो यारसा गेंबू के हैं या इसको कीड़ा जड़ी भी बोलते हैं आप ओके okay? और इसको कीड़ा जड़ी के साथ साथ Uh, इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज कॉडाइसे बॉटनिकल नेम इसका है और ये भी देखिए चाइनीज के जो चाइनीज एथलीट है ना इसको यूज करते हैं नेचुरल इम्यून बूस्टर होता है और ग्रे मार्केट में अगर आप इसकी कीमत देखेंगे तो 15 लाख ,00 रुपीस पर केजी है बर्फ के अंदर दबी रहती है वो फंगस यारसा गेंबू हालांकि हमने यहाँ पे यारसा गेंबू को मेंशन किया नहीं है इट इज नॉट पॉसिबल टू इंक्लूड ईच एंड एवरीथिंग ओके सो दिस इज दिस आर द फ्यू थिंग्स इंट्रोडक्शन ऑफ द एग्जॉटिक स्पेसीज पोचिंग हैबिटेड फ्रेगमेंटेशन राइट एंड हैबिटेड लॉस्ट इनकी वजह से ये आपकी जो थ्रेट्स uh, हैं बायोडाइवर्सिटी पर रहती हैं और बायोडाइवर्सिटी खत्म होती है ओके okay? तो गाइज आज के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पर लिमिट करूँगा और नेक्स्ट लेक्चर uh, में हम देखेंगे मैन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और उसके बाद कैसे हम कंजर्वेशन कर सकते हैं बायोडाइवर्सिटी का एंड अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग This course uh, or this le these lecture series, this lecture series or the course on the biodiversity, is exclusively meant for the BTECH, BSc, BA, and any undergraduate student for the first years, right? Or, although the So that's it for today, guys. Okay, thank you, thank you very much.